एक डॉग अभी हम शाहपुर से रेस्क्यू कर कर लाए हैं इसे डॉग बाइट है और उसकी वजह से मार्गेट वुंड एक हो गया है गले में हमने उन्हें सजेस्ट किया था कि किसी तरीके से अगर आप इसे कमरे में बंद कर ले तो हमारे रेस्क्यू में बहुत आसानी हो जाएगी हमारी टीम जब वहां पहुंची तो उन्होंने उसी तरीके से ऊपर उसे उसे वाले फ्लोर में एक कमरे में बंद किया हुआ था और डॉग बेड के नीचे बैठा हुआ था इसका रेस्क्यू भी इजिल हो गया ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दी है उसकी एआरबी की डोजेज हमने शुरू कर दी है इसके लिए हमें पहले भी कॉल आई हुई थी हम पहले इसके ट्रीटमेंट एक बार कर चुके हैं लेकिन उसके बाद वो वहां से भाग गया था इसलिए हमारा ट्रीट ऑन स्ट्रीट वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाया अभी रेत से एक बैल भी हमने रेस्क्यू किया है जिसको डेस्टिकल में काफी सीरियस इंजरी है हमारी टीम वहाँ उसे लेने गई थी तो वो रोड के एक किनारे में बैठा हुआ था पकड़ना तो उसे आसान था लेकिन उसको जीप में बिठाने में थोड़ी सी तकलीफ आ रही थी वहाँ पर लोगों ने हमें तरपाल में बैल को रख के उसे उठाने में काफी ज़्यादा मदद की जिसकी वजह से ये रेस्क्यू जल्दी हो पाया। जब बैल यहाँ पर आया तो उसकी ट्रीटमेंट के दौरान काफी दिक्कत क्योंकि बहुत अग्रेसिव है, में तो छोटा है, लेकिन वो बहुत है। जो मेटल नहीं था सर वो सिरिंज कट करके हमने उसको कवर करके उससे मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि बिग और स्मॉल तो उसका रीजन यही है कि भाई दर्द हर किसी को बराबर से होता है वेन एवर वी हैव अ फॉल एक किटन भी आई ना हमारे पास हाँ जी आ, लेकिन हमारे पास जो दो किटन आई थी ना पालमपुर से उनको मैंने वापस भेज दिया क्योंकि उनकी मदर को आ, काफी ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था और वो अभी भी लैक्टेटिंग थी तो उसमें भी बॉडी में उसके प्रॉब्लम आ सकती थी तो उनके उस मदर थी वो यहां लाए की तो लाए सर क्योंकि जो बाकी के दो दो से तीन बच्चे थे उनको दूसरी कैट जो वहाँ पर है उन्होंने खत्म कर दिया आपने बताया था हाँ। सॉरी मैं भूली गया और ये जो नया किटन नई किटन आई वो धर्मकोट से आई है वो किसी कैफे में उनको मिली उन्होंने काफी ढूंढा लेकिन मदर उनको मिली नहीं इस वजह से वो उसको यहाँ पर ले आए हेल्दी किटन हाँ

और हमारी ऑडियंस में हर तरह के लोग हैं ऐसे भी लोग हैं भाई जो गाय को खाना दे देंगे लेकिन उनको पपीज़ नहीं पसंद देखिए आपको पपीज़ नहीं पसंद ना तो बेस्ट तरीका है कि आप मदर्स को स्टेरलाइज़ कराएं ताकि पपीज़ पैदा हो ही ना क्योंकि भाई आप कहीं अबैंडन करके आते हो अब ये जो पपी जहाँ से आया वो हाई ट्रैफिक एरिया है उसको कोई कुचल जाता है मर जाता है या मरता नहीं अधमरा रहता है अगले दिन जाके मरता है आपको पता चले आपकी आत्मा आपको कचोटेगी तो ऐसा काम करना ही क्यों तो अब हम साइज में ही चल रहे हैं तोता बिल्ली पपी एक बछड़ा है आपके पास जिसको बड़ी गंदी चोट लगी हुई है अप्पू जैसी बछड़ा नहीं है बैल है है पर वो बछड़े के साइज का है। ही है ना हाँ उसको काफी ज्यादा सीरियस इंजरी है आ, उसके तो सर टेस्टिकल्स रिमूव ही करने पड़ेंगे सर्जिकली हमें सॉरी ये बहुत ही सुंदर है यार इसकी पूछ आई लैसे सभी कुछ सब एक ही रंग में डिप्ट है ये है इसका मैंने आपकी बात ही नहीं सुनी मैं उससे इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया ना इसका इंजरी का कारण हमें नहीं पता लेकिन काफी सीरियस इंजरी और हमें इसको सर्जिकली रिमूव ही करने पड़ेंगे टेस्टिकल्स ऐसे में तो हीलिंग oh इसकी हाँ जी बहुत ज़्यादा पेनफुल है मुझे तो यही लगता है, है, है तो इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी जी सर आज ही इसकी हम सर्जरी रिमूव करने पड़ेंगे तो ये यहीं पे होगी सुन के दर्द हो रहा है अप्पू का क्या हाल है

थोड़ा बताओगे कि कैस्ट्रेशन में आप लोग एग्जैक्टली करते कैसे हैं हम लोग कैस्ट्रेशन में पहले तो आ, लिग्नोकेन यूज करते हैं ताकि वो एरिया सुन हो जाए और उसके बाद लिग्नोकेन एक जेल टाइप होता है जो मतलब आप ट्यूब में आता है उससे लगा सकते हैं एक्सटर्नली सर उसके बाद फिर प्रॉपर कैस्ट्रेशन के लिए जो टूल्स आते हैं वो यूज़ करके हम आ, एक तरीके से जो टेस्टिकल्स हैं उनको क्रश करते हैं नहीं, नहीं। पुराना हो गया, ये पुराना हो हो गया गया। ये हाँ, जाती है और उससे वो वो अपने आप हो जाएगा। ज्योति ने जो दो बातें बहुत important है। एक पेन किलर लगाना भाई उसको लोकली नम करना क्योंकि इमेजिन आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो और आपको पेन किलर ना दिया जाए और दूसरा ये कि प्रॉपर इक्विपमेंट यूज करना गाँव वगैरह में मैंने देखा है कई लोग तो बकरों के साथ क्या करेंगे की रबर बैंड लगा देते हैं ताकि भाई धीरे धीरे ब्लड सप्लाई ख़त्म हो और वो टेस्टिकल घर स्ट्रिंक हो जाए ये हो जाता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है आप इमेजिन करिए आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगे तो जो नहीं चाहते आप कि आपके साथ हो वही किसी और के साथ भी हमें नहीं करना चाहिए सर आ, पेन किलर नहीं ना वो पेन किलर थोड़ी कहेंगे हम लिखनों के इनको तो सुन करता है उस एरिया को लोकल एनेस्थेटिक हाँ ठीक है पेन किलर नहीं कहेंगे यही है कि भाई वो लोकल उस समय पेन होने नहीं देता पेन मैनेज कर देता है नहीं वो पूरा सुन कर देता है उस एरिया को, ताकि वहाँ पर कुछ टाइम के लिए सेंसेशन नहीं ना रहे। इसकी इंजरी का क्या हाल है नहीं, बहुत पस है सर और फ्रैक्चर है ही लेकिन पहले पस क्लियर करना पड़ेगा हमें उसके बाद हम उस चीज पे वर्क कर सकते हैं और ये है भी बहुत वीक ना इसलिए हमने इसकी ब्लड सैंपल्स तो भेज दी है और टिक्स भी बहुत ज्यादा है तो वो चीज़ भी असर करती है इन लोगों में तो जिन्होंने कॉल किया इसके वो तो काफ़ी हेल्पफुल लोग थे ना ना वो तो तो यही कह थे ना? कि अगर कोई और रेस्क्यूज आप हमें बता दो सिखा दो सिखा तो हम, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको वापस भेज दें वो मैनेज कर लें वो पहले इसकी ट्रीटमेंट वहाँ पे कर रहे थे उनको क्या दिक्कत आ रही थी आ, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था ना बिल्कुल भी जब हमारे पास आया तो हमने देखा भी कि बहुत ही ज्यादा पस है इसकी बोन में ना इसकी बोन हटी हुई है डिसलोकेटेड है नीचे वाले हिस्से से अपार्ट फ्रॉम ये डर के बैठ जाता है ये वैसे ठीक होने के चांसेस हैं है, है Sir, तो छोटा है ये कंफर्म अभी कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी अभी इसके थोड़ी देर में रिपोर्ट्स आ जाएगी क्योंकि अंदर से क्या प्रॉब्लम है ये जानना जरूरी है बहुत वीक है ये मुझे ना इन केसेस में यही लगता है बेसिकली हम लोगों की कोशिश होती है कि एम्पूटेशन लास्ट हमारा रिजॉर्ट हो यहाँ पे कुछ और एम्पूटेशन हुई है उनके बारे मैं आपको में आपको बाद में बताऊंगा पर यही है कि एम्पूटेशन को लेट कर दिया तो फिर वो वही होता है कि इन्फेक्शन बोन तक पहुँच जाएगा ये भी जी बिल्कुल होता है सर है ना बाद में प्रॉब्लम आती है फिर बहुत हम आपको अपडेटेड रखेंगे इसके साथ क्या होता है मेरी कास्ट्रेशंस वाली बात बीच में रह गई आपने तीन और बैल कास्ट्रेट कर दिए ना एक तो हमारा चंद्रयान छोटा वाला जो बैल है उसको एक ये रखेंगे हम ब्लू ब्लूपर्स आती में ज्योति की फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ रही है मुझे खतरा हो रहा है <laughs> like, कोई कोई रॉबिन सर कुछ नहीं नहीं लाइक है अरे नहीं तुम कमेंट्स नहीं बढ़ते हो सर भी शुरू करना शुरू करना है मैं तुम्हें एक पता दे दूंगा मैं खुद गलत ले रहा था जी ले रहा था हम लोग क्योंकि जो वीगन लोग है ना उनको बी लेना बहुत ज़रूरी है वैसे तो अगर आप नॉन वीगन है तब तो भी आप अपना बी ट्वेल्व टेस्ट कराइए कम ही आएगा क्योंकि मिट्टी इतनी खराब है कि ना उससे बी ट्वेल्व किसी प्रोडक्ट में जा रहा है ना हमारे पेट में जा रहा है खैर एनीवे सॉरी आप मुझे कास्ट्रेशन का हमने चंद्रयान छोटा बूथ और रामनाथ ये तीनों के कैस्ट्रेशन हाँ। नाम फनी है <laughs> तो इन लोगों की क्या वो लगभग हील हो चुके थे बस कुछ दिन का ट्रीटमेंट और था जिसमें सिर्फ ऑइंटमेंट लगानी है तो ये साथ में पेन मैनेजमेंट भी हो जाएगा उसके बाद हम रिलीज कर सकते हैं हैरानगी की बात है ना कि हमारे यहाँ पे डेयरी को इतना प्रमोट किया जाता है पर फैसिलिटीज़ नहीं है गाय को चोट लग जाती है एक्सरे नहीं है सड़क पे लोग गाय बैल छोड़ देते हैं भाई क्या करेगा बूढ़ी गाय प्रॉफिटेबल तो नहीं है तो कुत्तों की तरह इनका कोई भी औपचारिक यानी ऑफिशियल स्टरलाइजेशन प्रोग्राम तक नहीं है हमारे यहाँ यही है कि भाई जो रेस्क्यूज़ आते हैं उनमें बैलों को हम कास्ट करके कर देते हैं जो गाय है उसकी तो सर्जरी बड़ी पेचीदा है और फिर हमारे को सपोर्ट नहीं मिलती उसमें तो एक इशू है कि आजकल रेस्क्यू कॉल्स तो कम आती है लेकिन आउट ऑफ स्टेट बहुत कॉल्स आती है ना हमें Help, like. तो हम ऐसा होता है ना हमें सुनने के बाद एक होता है ना कि अगर मुझे पता है कि हाँ इस जगह में ये ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं वो फॉरवर्ड करूँगी लेकिन लोग फिर ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग उनको पेट डॉग्स के लिए भी हेल्प करें जबकि सब जान रहे हैं कि हमारे पास अभी सिर्फ डॉक्टर हिमांशु अवेलेबल है बट वो इतना रिक्वेस्ट करते हैं फिर मैं ठीक है मेरे को लास्ट में ये बोलना पड़ता है ठीक है मैं बात कर आती हूँ अगर आप एक वेट है एंड आप वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो तो अपना रेज्यूमे हमें नमस्ते at peoplefarm .org पे भेजिए इससे ना तो आपको यहां पहाड़ों में धक्के खाने पड़ेंगे और आप घर बैठे ही ना जाने कितने स्ट्रे है। हीलिंग चल रही है लेकिन उसके पीछे टाइम बहुत जाता है क्योंकि उसके ट्रीटमेंट के लिए उसके पीछे कई देर दौड़ना पड़ता है हमें उसको पकड़ने के लिए अपॉइंटमेंट लगाने के लिए उसकी इंजरी बिल्कुल पार्टिकल जैसी है इसीलिए आप उसके मुंह पे पट्टी बांध रहे हो और मजल नहीं बांध रहे ना क्योंकि मजल पे पीछे हाँ, मजल तो नहीं लगा सकते उसको एंड रोप भी हाँ। नहीं काम करेगा और ये भी हिंदी म्यूजिक सुनता है सर अभी तो सारे हाँ, म्यूजिक सुनते हैं तो शांत भी रहते अभी तो हमारे यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक चलता है जिससे सब शांत रहते हैं और

बैंडेजिंग uh, ओपन करते थे लेकिन अगर हम नहीं करेंगे या और कोई ऐसी चीज होगी इम्प्रूवमेंट नजर आती तो हम रुकते लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं थी इसलिए हमने एम्पिटेशन फाइनल किया कैनल में सर आर थ्री में है वो भी अच्छा रिकवरी केनल में तो जब सर्जरी हो जाएगी फिर हम यहाँ पे एस केनल में सर में सर्जरी हो चुकी है लेकिन अभी मेरे पास एम्पिटेशन हो गई है।, है सर लेकिन सर्जरी कैनल में सारे ऐसे डॉग्स हैं जिनको जगह चाहिए और मेल डॉग्स है वहां रखने से ये लोग दिन भर एक दूसरे से सिर्फ लड़ाई अभी तक झोला का टॉय में देख रहा देखना पड़ा है वो अडोप्ट नहीं हुआ नहीं सर मैं एक सेकेंड आपको दूंगा झोला के कैनल में एक बारी गलती से टॉय <laughs> चला गया था और वो इतना बड़ा डॉग है और वो ऐसे छोटे <laughs> फिर भी कर रहे थे तो एक वो था वो तो हील हो गया था लेकिन जो सामने वाले पैर में एक नर्व डैमेज था वो हम कोशिश कर रहे थे की नर्व टॉनिक से ठीक हो जाए लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी सीनियर डॉक्टर ने पहले भी हमें यही सजेस्ट किया था फिर भी हम एक चांस ले रहे थे

बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहा है उस टाइम पे दे सकते हैं। अगर तो एक्सीडेंट के इमीडिएटली बाद ऐसा हो जाए ना तो नर्व डैमेज के जो चांसेस हैं वो थोड़ा रिड्यूस होता है ऐसा मुझे बताया गया मैं कोई वेट नहीं हूँ

पर भाई मुर्गियाँ रेस्क्यू करने को मिलेंगी कैसे लोग छोड़ेंगे तो ना बेटी जी के अलावा कोई गुड न्यूज है हमारे पास हाँ जी वो हमने कांगड़ा से एक डॉग रेस्क्यू की थी मडोना जो हमारे पास पहले भी आई थी बहुत ओल्ड डॉग थी जिसको ट्यूमर का इशू था उसका हमने सर्जरी के लिए क्योंकि धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू में उस टाइम सीनियर डॉक्टर्स थे तब हमने वहाँ पे ही बात की थी वहाँ पर उसकी सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई उसको काफ़ी ज्यादा और भी इशूज थे पायोमेट्रो वगैरह भी था जो कि बहुत सीरियस इशूज हैं कॉम्प्लिकेशन भी आती लेकिन वो डॉग पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है आज वो वापस भी आ रही है यहाँ पे और तारा को सर हमने रिलीज करवा दिया है ना क्योंकि यहाँ पर के इट्स नॉट बट मेरे ख्याल से है भी क्योंकि वहाँ पर उसके केयर हैं उसकी मदर है सिबलिंग्स हैं वो स्ट्रेस फ्री रहेगी और यहाँ पर क्योंकि उसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता था उसकी एक वैक्सीनेशन हो पाई थी और यहाँ पे सी ब्रेकआउट चल रहा है तो मेरे को लगा कि उसके लिए बेहतर ऑप्शन अभी यही है CD, यानी canine canine distemp. Distemp. उस पर हम एक मिनट में आते हैं इस पॉइंट पे अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर नहीं है तो देखना बंद कर दीजिए क्योंकि इसके बाद जो हम आपको बताएंगे उससे हमारा आप पे एक नेगेटिव इंप्रेशन ही पड़ेगा किंग जो कि टोफू के बाद मेरा यहाँ पे फेवरेट बैल है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है एंड uh, डोडो जो हमारी रेजिडेंट डंकी थी उसको उसके साथ आप बताओगे क्या हम नहीं उसको एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे थे ना नहीं कर पा रहे थे सर क्योंकि बहुत ओल्ड थी एक तो पहली बात ऊपर से उसको इतनी इंजरीज थी जो भी उसके साथ लास्ट इंसिडेंट हुआ था उसके वजह से उसके बॉडी में इतने सारे बोन्स थे फ्रैक्चर था वीकनेस थी इतनी जब वो यहाँ पर आई तब उसकी कंडीशन ऑलरेडी बहुत खराब थी इतने दिन फिर भी वो ठीक है स्टेबल चल रहा था सब कुछ लेकिन यहाँ पर क्या होता है वेदर कंडीशन भी बिगड़ी लास्ट के जो थ्री डेज थे उसने उसने खाना भी बंद कर दिया था हम उसको उठाते थे उठ भी नहीं पाती थी आपको पता है ना हमने बाहर ही उसको इसलिए छोड़ फूड फॉरस्ट क्योंकि वो मूव ही नहीं करती थी अपनी जगह से और यहाँ पे एनिमल्स इधर उधर हो रहे हैं उसमें वो गिर जाती थी कभी बाहर भी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी उसने खाना छोड़ दिया था तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते हुए हमारे डॉक्टर्स ने यही फैसला लिया कि बेटर है कि उसको हम यूथनाइज कर दें यानी कि हम उसको एक पेनलेस डिसेंट डेथ दे दें जो उसकी जिल्लत भरी जिंदगी से तो बहुत बेहतर है उसके लिए एक और एनिमल जिस पे हमने बहुत मेहनत करी पार्टिकल हमारे डॉक्टर्स ने भी हमारे वॉल्टियर्स ने भी लेकिन हम उसको नहीं बचा पाए वो बिल्कुल ठीक हो रहा था लेकिन जिस दिन उसने जाना था उस दिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी हमने पोस्टमार्टम किया तो यही था कि जो उसकी सांस की नली है चोट उसके इतनी पास थी कि धीरे धीरे खून रिसके उसके फेफड़ों में

टाइम से थी, months, यार अगर आप नौ महीने से ठीक होने के बाद अस्पताल में रह रहे हो तो इसके तो चांसेस मतलब बहुत हाई है, हैं राइट ये, ये मैं कोई बहाना नहीं बना रहा आप खुद किसी अस्पताल में जाके रह के, के देखिए और देखिए आपको क्या क्या वहां पे इंफेक्शन होंगे अब हम की बात करें तो कंगना डेढ़ साल से है भिंडी लगभग एक साल हो चुका है टिंडा और धनिया पिछले चार महीने से यहाँ पर हैं चुटकी चुनमुन दोनों को चार महीने हो चुके हैं चुनमुन को तो कम से कम सलोनी फॉस्टर कर रही है लेकिन वो भी एक तरीके से वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है चुनमुन की तो मैं बात एक बार सलोनी से करूँगा कंगना हाँ को तुम लोग स्पॉट और चम्बी से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे स्पॉट और चम्बी हमारे रेजिडेंट डॉग हैं जो बड़े ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं

और कंगना वॉक पे भी नहीं जाती आ नहीं सर उसको लीश पसंद ही नहीं है उसको ओपन रहना पसंद है वो ओपन जाएगी मेरे जैसी है वो <laughs> तो ये प्रॉब्लम आ रही थी इस और चम्बी स्पॉट को हम अंदर ला नहीं सकते दूसरा हम नरगिस का भी ट्राई कर रहे थे लेकिन उसके साथ एक सेकंड सॉरी एक तो मैं आपको ये बता दूं कि हम इन डॉग्स को अपने डॉग्स से इंडिकेट कराने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि जो हमें कॉल्स आ रही हैं दूर दूर से आ रही हैं साउथ इंडिया से हमें अडोप्शन के लिए बहुत कॉल्स आ रही हैं लेकिन वहाँ पर हम डॉग्स भेज नहीं सकते और नॉर्थ से हमें

तुम इसे अटैच हो गई फिर ये मुझे कैनल्स में क्यों नज़र आती है जबकि तुम्हें पता है कि यहाँ पे इसको इन्फेक्शन हो सकता है Uh, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी था कि चुनमुन को मैं एक तो उसके कंडीशन से बाहर निकालूँ वो बहुत सॉरी एक कंडीशन जो इसकी आंख में इंजरी थी आंख में इंजरी थी उसके टंग में एक कट था एक्सीडेंट हुआ था इसका तो एक्सेसिव ब्लीडिंग के वजह से इसको अनेमिया भी हो गया था ब्लड लॉस था वीकनेस था बहुत सारी चीज़ें थी uh, तो उसके लिए हम uh, तभी हमने सोचा कि इसका हम फॉस्टरिंग करेंगे ताकि पर्सनल अटेंशन जब मिलेगा इसे तो आ, ये ठीक हो सकती है जो कि वो हुई काफ़ी बड़ी भी हो गई अब तो मेरे घर में इतनी जगह नहीं है मैं ऑलरेडी एक कैट को फॉस्टर कर रही हूँ और चुनमुन जैसी बड़ी हो रही है ज़्यादा शैतान हो रही है तो उसे घर में रखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इसीलिए ज्योति से कंसर्न जताने के बाद उसने कहा कि उसे अडोप्टेबल में ट्राई करते हैं तो तुम इसको क्यों नहीं कर लेती अगर ये अडोप्ट नहीं होती है जब तक मैं यहाँ पर हूँ इसे घर ले जाओगी अपने मैंने वो तो सोचा है लेकिन मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि मैं एक फ़ॉस्टर पेरेंट बनूं ताकि मैं चुनमुन जैसे और पपीज को फॉस्टर कर सकूं उनको आ, उनका हेल्थ उसके वेलबींग well में सपोर्ट कर सकूं और फिर उनका अडॉप्शन करवा सकूं ये सलोनी का अच्छा पॉइंट है कि भाई जो डॉग्स रिकवर कर गए हैं उनको सड़क पे जाने से पहले ये उनको एक चांस दे सकती है अगर ये एक डॉग को अडॉप्ट कर लेती है तो ये चांस वो देना बंद कर सकती है तो अगर आप फॉस्टर नहीं करते रेगुलरली तो आप चुनमुन को अडॉप्ट करने के लिए हमें कॉल करिए नाइन डबल एट टू वन सिक्स वन सिक्स डबल सेवन ये सारा सामान हमारे स्पीति स्टर्लाइजेशन प्रोग्राम के लिए है कल सुबह यानी कि सोमवार सुबह, सुबह हम वहाँ चले जाएंगे सामान आएगा दो दिन बाद कल हमारे साथ जाएंगे सिर्फ कैनल्स वहाँ जाके क्या होता है ये सब आपको दिखेगा हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर हाँ एक चीज़ और अगला अपडेट हो सकता है एक या दो दिन लेट आए तो आप हमें कॉमेंट्स में बताइएगा क्या आपको फ़र्क पड़ता है इस बात से या नहीं Tchau.